याद रखना, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो वहां बाजे बज रहे हैं, किलकारियां सुनाई दे रही हैं, और किसी के घर में रुदन सुनाई दे रहा है। किसका रुदन सुनाई दे रहा है? बोले आज ये हमारे घर का व्यक्ति दुनिया से चला गया, इसलिए सब उसके पीछे राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम राम सत्य है, यह बोल करके लोग जा रहे हैं। प्यारे एक ही गांव है, एक घर में जन्म हुआ है तो दूसरे घर में मरण हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कबीर की वाणी जो कह रही है उसको ध्यान से सुनो। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा कोई बिछा कर सो रहा। आगे क्या लिखा कबीर ने? बोले कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा, कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा, तो कोई लेवे राम नाम तो कोई कांटा बो रहा। बोलो एक तरफ राम 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 लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांटा बुन रहे हैं। बोलो बो रहे हैं कि नहीं कांटा? ये कंडीशन इस जगत में दिखाई देती है। कोई लगावे सुगंधी, कबीर कह रहे हैं कोई लगावे सुगंधी तो कोई मेला धो रहा, कोई लगावे सुगंधी तो कोई मेला धो रहा। मच रही हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा। इसलिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, नानक जी भी कह रहे हैं, एकनाथ भी कह रहे हैं, नामदेव भी कह रहे हैं, मीराबाई भी कह रही हैं, कर्माबाई भी कह रही हैं, तुकाराम दास की पत्नी धनाबाई भी कह रही हैं भक्तमाल में कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा ओ मानस पुण्य होए नहीं पापा। श्रीमद भगवद गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन दशरथ जी को मृत्यु के समय कौन दिखाई दिया? श्रवण की लाश दिखाई दी है ना, और अंधी अंधा का श्राप। श्रवण के माँ बाप ने श्राप दिया है दशरथ जी महाराज को। क्या कहा है? दशरथ जिस तरह से पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही दशरथ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। बोलो ये कर्म जो है मरते समय रोने के लिए विवश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कथा को तुम सही मानते हो कि नहीं मानते हो, श्रवण कुमार वाली कथा को? हाँ सब कह रहे हैं महाराज हम बिल्कुल मानते हैं श्रवण कुमार की कथा सही है। और श्रवण कुमार की कथा ही सही नहीं है प्यारे, आज भी कोई आदर्शवादी पुत्र होता है तो उसे जो माता पिता की सेवा करता है तो पूरा गांव नहीं क्षेत्र कहता है श्रवण कुमार है। क्यों भाई, कहता है कि नहीं? क्या श्रवण कुमार है ये? एक गांव में एक लड़के को पूरा गांव कहे श्रवण कुमार। तो एक लड़का चढ़ने लगा, नाराज होने लगा, बोले तुम्हारा नाम श्रवण कुमार है नहीं, तुम्हारा नाम तो और कुछ है, तुम्हारा नाम धन सिंह है, लेकिन तुम श्रवण कुमार श्रवण कुमार। उसने कहा भैया हम श्रवण कुमार थोड़ी कहते हैं, गांव वालों से जाके कहो कि गांव वाले पूरे श्रवण कुमार कहते। अब उसने डंडा लेकर के गांव में राउंड देना शुरू किया। बोले एक बात बताओ, धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? धन सिंह को श्रवण कुमार क्यों कहते हो? गाँव वाले बोले वो माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता की सेवा करता है वो बालक श्रवण कुमार होता है। बेवकूफ़ी का परिचय मत दो, ये लाठी फाठी डंडा ले जाओ अपना एक तरफ। अगर तुम भी माता पिता की सेवा करने लगो तुम श्रवण कुमार बन जाओगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है? हम पूरे गांव के लोग कल से तुमको श्रवण कुमार कहेंगे। उसने कहा ठीक है। अब दो दिन तीन दिन चार दिन हो गए लेकिन किसी ने उससे श्रवण कुमार नहीं कहा। धन सिंह को सब कहे श्रवण कुमार श्रवण कुमार। फिर उसने लाठी उठाई पूरे घर घर में गया, बोले एक बात बताओ, आप लोगों ने कहा था कि श्रवण कुमार कहेंगे, आज तक कोई गांव के लोगों ने हमको श्रवण कुमार नहीं कहा। अरे ये कहा था माता पिता की सेवा करो तब तुम श्रवण कुमार बन पाओगे, तो श्रवण कुमार ऐसे थोड़ी कहा जाएगा तुम्हें, तो माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा श्रवण कुमार हम तब बने तब सेवा करें माँ बाप की, जब माँ बाप अंधे हो तब ना। अभी माँ बाप अंधे नहीं है तो हम कैसे सेवा करें?
तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं, आजकल के लड़कों की नकारात्मक सोच है। कैसी सोच है? नकारात्मक सोच है प्यारे। लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनना, श्रवण कुमार मात्र पितृ भक्त है, ये कर्म दशरथ जी का बिगड़ा है, भूल से बिगड़ गया, धोखे से बिगड़ गया कर्म। और जब धोखे से कर्म बिगड़ा, उसी समय श्रवण के माँ बाप ने श्राप दे दिया कि दशरथ तुम भगवान जरूर हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य और सौभाग्य आज दुर्भाग्य में मैं बदल रहा हूं, क्योंकि तुमने मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदला है। आज मैं श्राप दे करके तुम्हारे भाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा हूं। जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके तुम भी प्राण त्यागोगे, ये श्राप देता हूं। और श्राप दे करके श्रवण के माँ बाप ने महाप्रयाण कर लिया। बोलो यही कर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? कर्म बिगड़ गया यहां। अब भगवान राम ने जो बात गीधराज जटायु से कही थी कि जलभर नयन कहें रघुराई, तात कर्म ते निज गति, कर्म से आप जा रहे हैं, मेरे प्रयास से आप नहीं जा रहे हैं। यहां दशरथ जी महाराज हरिधाम नहीं जा रहे हैं, सुरधाम जा रहे हैं। बोलो किससे जा रहे हैं? अपने कर्म के प्रयास से। किसके प्रयास से? कर्म के प्रयास से। इसलिए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरहे, राव गए सुर धाम। बोले सुर धाम में क्या है? बोले इंद्र रहता है, सुर धाम में अप्सराएं रहती हैं। बोलो रहती है कि नहीं? जितने प्रकार की सुविधाएं हैं सब स्वर्ग में रहती हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी विशेषता हो गई? जितने प्रकार की सुविधाएं थी अयोध्या में थी। बोलो थी अयोध्या में कि नहीं? और वही स्थिति स्वर्ग में अगर मिल रही है तो कोई बहुत बड़ी विशेषता है क्या? कोई विशेषता नहीं। विशेषता है हरिधाम जाने की, बैकुंठ जाते तब विशेषता होती। बोले बैकुंठ में क्या रहता है और स्वर्ग में क्या रहता है? बोले स्वर्ग में इंद्र सिंहासन पर बैठा रहता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, बीमार हो जाओ रोगी हो जाओ तो अश्विनी कुमार उपचार करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं उपचार? यही तो स्वर्ग की व्यवस्था है। लेकिन बैकुंठ में, बोले बैकुंठ में जैसे ही पहुंचोगे प्यारे, तो मुक्ति और भक्ति दोनों का दर्शन बैकुंठ में हो जाएगा आपको। भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए बैकुंठ के समान तो कोई दुनिया में संसार में है ही नहीं, त्रैलोक में नहीं है प्यारे, बैकुंठ तो बैकुंठ ही है। बोलो है कि नहीं? बैकुंठाधिपति कौन है? बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, ये बैकुंठाधिपति है। आइए सुनिए अंतिम बात, अब अंतिम 10-15 मिनट की बात है, अब इसको अंतिम रूप देने जा रहे हैं हम। दशरथ यहां सुमंत जी भगवान राम को रथ में बिठा कर ले जा रहे हैं। बोलो ले जा रहे हैं कि नहीं? और जाके पहुंचे कहां? बोले तमसा नदी के तट पर पहुंच गए सुमंत जी। और इधर दशरथ जी महाराज को कौशल्या जी समझा रही हैं, क्योंकि कौशल्या की गोद में महाराज श्री दशरथ हैं, तड़प रहे थे दशरथ जी। तो उस समय कौशल्या जी ने उठा के अपनी गोद में लिटा लिया। देखो भैया एक बात बतावें, पत्नी सारथी भी होती है। क्या होती है? पति के जीवन में पत्नी सारथी होती है प्यारे, लेकिन वो सारथी बनी रहे वह स्वार्थी ना बने। स्वार्थी बनी तो गड़बड़ है, और सारथी बनी रहे तो पत्नी जैसा सारथी कौन होगा प्यारे? बोलो साथ देने वाला कौन हो सकता है? एक बार कोई कह रहे थे वक्ता, बोले वो पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर है। तो हमने भी कान थोड़े खोले, क्योंकि बंद रहते हैं ना हमारे कान ऐसे, हमने ऐसे खोल लिए। उनका जरा देखें तो ये क्या बोल रहे हैं। कहे एक होती है वाइफ, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। तो हमने कहा जरा कान खोल के सुने तो। बोले क्या क्या इसका अर्थ है? बोले पत्नी का अर्थ ये है। हमने कहा क्या है अर्थ जरा बताएं? पत्नी का अर्थ ये है जो पति को स्वार्थ की ओर ले जाए। तो हमारी आंख बंद हो गई और हमने कान भी बंद कर लिए। हमने कहा ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि पत्नी का अर्थ है कि पति को स्वार्थ की ओर ले जाए। पत्नी का अर्थ यही है सारथी बन के रहे। क्यों भाई? क्या बन के रहे? सारथी बन के रहे।
और धर्म पत्नी का अर्थ है कि स्वार्थ से निकाल के धर्म में लगावे। तब फिर मैंने कहा सुनो कान खोल करके, अब मेरी बात, पत्नी और धर्म पत्नी में इतना